हेलो एवरीवन, आज हम लोग को जैसा कि आगे का टॉपिक देखना है, हम लोगों ने कर रहा था आफ्टर नंबर थ्री या फिर कह लो डे थ्री हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोग को बेसिकली क्या स्टडी करना है, चलिए देखते हैं। हालांकि ये चीज़ मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था, अकाउंटिंग सिस्टम एंड कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि कैपिटल रेवेन्यू के बारे में आज हम लोग को बेसिकली स्टडी करना है। कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज वेल एज कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट की बात भी करेंगे। अब सबसे पहले तो हम लोग बात कर रहे हैं अकाउंटिंग सिस्टम की, या फिर कह लो सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग की बात करते हैं, ठीक है ना। तो देर आर थ्री मैथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एंट्रीज विच आर एक्सप्लेन्ड एज अंडर। तो देखो, तीन तरह के अकाउंटिंग सिस्टम होते हैं जो मे बी यूज हो सकते हैं अकाउंटिंग करते समय, रिकॉर्डिंग करते समय। सबसे पहला एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम होता है। नाउ व्हाट इज सिंगल एंट्री सिस्टम? ओके, साफ साफ लिखा है, दिस सिस्टम इग्नोर्स टू टू फोल्ड एस्पेक्ट्स of each transaction, okay, as considered in double entry system. तो single entry system में सीधा सीधा बोला गया, ये double entry system की तरह नहीं है कि dual aspect को follow करता है। याद है हम लोगों ने पढ़ा था dual aspect concept, जिसमें बोला था कोई भी transaction एक single इंसान, एक अकेला इंसान नहीं कर सकता, उसके लिए कम से कम दो लोग चाहिए चाहिए। और जब दो लोग बीच में आपस में ट्रांजेक्शन करते हैं, उस पर दो इफेक्ट आते हैं, एक इफेक्ट को डेबिट, एक इफेक्ट को क्रेडिट, दोनों ही इफेक्ट्स को हमें नोट करना है। बट सिंगल एंट्री सिस्टम इससे कोई लेना देना नहीं है। सिंगल एंट्री सिस्टम सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, इस ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट को सीधा सीधा इग्नोर कर देता है। बात समझे? अंडर द सिंगल एंट्री सिस्टम मेयरली पर्सनल अफेक्ट एस्पेक्ट्स और ट्रांजेक्शन, यहाँ पे सिर्फ पर्सनल एस्पेक्ट के ट्रांजेक्शन को ही नोट किया, जिस लाइक पर्सनल अकाउंट आर रिकॉर्डेड, यहाँ पे सिर्फ पर्सनल अकाउंटिंग की जाती है, पर्सनल अकाउंट को ही रिकॉर्ड किया जाता है। दिस मेथड टेक्स नो नोट्स ऑफ द इम्पर्सनल एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रांजेक्शंस अदर देन कैश। यहाँ पे हम लोग सिर्फ पर्सनल अकाउंट एक तो बनाते हैं, दूसरा नंबर कैश अकाउंट बनाते हैं, और कोई अकाउंट नहीं बनाते। बात समझे? इट ऑफर्स नो चेक ऑन एक्यूरेसी ऑफ द पोस्टिंग एंड नो सेफगार्ड अगेंस्ट द फ्रॉड, एंड बिकॉज इट डज नॉट प्रोवाइड एनी चेक ओवर द रिकॉर्डिंग ऑफ द कैश ट्रांजेक्शन। तो इसमें साफ साफ कह रहा है, इट ऑफर्स नो चेक ऑन द एक्यूरेसी, इसमें एक्यूरेसी की कोई चेकिंग नहीं हो सकती, एक तरीके से कह लो कहीं ना कहीं फ्रॉड से भी हम सेफ गार्ड नहीं कर सकते अपने बिजनेस को। इट डज नॉट प्रोवाइड एनी चेक्स ओवर द रिकॉर्डिंग ऑफ कैश ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन को हम चेक ही नहीं कर सकते क्योंकि हम दोनों एस्पेक्ट्स को ध्यान ही नहीं देते हैं। इट इज कॉल्ड इनपरफेक्ट अकाउंटिंग, या फिर मैं कहता हूँ इसको इनकम्प्लीट अकाउंटिंग। ओके, सिंगल एंट्री सिस्टम इज एन इनकम्प्लीट अकाउंटिंग। अब सॉल्व होता है, सर ये सिंगल एंट्री सिस्टम होती है क्या? बिल्कुल होती है। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं आपके घर के आसपास, बहुत सारी ऐसी दुकानें होंगी कॉलोनीज में, इवन रोड पे भी आप चले जाओ तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे शॉप्स आपके सामने देखने को मिलेंगी जो बेसिकली सिर्फ दो ही अकाउंट बनाते हैं। एक होता है पर्सनल अकाउंट बनाते हैं, मेंटेन करते हैं, दूसरा कैश बुक मेंटेन करते हैं। पर्सनल अकाउंट मतलब जिनको भी उधार दिया है, उधार लिया, सिर्फ उस पार्टीज का डिटेल रखते हैं। दूसरा नंबर कैश का डिटेल, एक कैश बुक बनाते हैं, कितना पैसा आज कैश आया, कितना कैश गया, कितना कैश बचा, कैश बुक बनाते हैं। और सर जी कोई बुक्स मेंटेन नहीं करते, यानी उन्हें सिर्फ कैश से मतलब होता है और सिर्फ पर्सन से मतलब होता है, सिर्फ दो ही अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। तो एक तरीके से क्या ये क्या है, इनकम्प्लीट अकाउंटिंग है। और इससे हम लोग सही से कोई रिजल्ट्स परफॉर्मेंस अगर हम अपना चेक करना चाहें तो सही से अपनी परफॉर्मेंस चेक नहीं कर सकते, ना तो उससे फाइनेंशियल पोजिशन पता कर सकते हैं, क्योंकि हम बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस इसकी हेल्प से बना ही नहीं सकते, बनाते भी है तो अधूरा है। बात समझे कि नहीं समझे? तो सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है, क्या कहता है सिंगल एंट्री सिस्टम? सीधा सीधा डबल एंट्री सिस्टम, यानी कि कह सकते हैं ड्यूल एस्पेक्ट को इग्नोर कर रहा है, और यहाँ पे सिर्फ दो ही अकाउंट बना रहा है, पर्सनल अकाउंट और कैश बुक। तो जाहिर सी बात है, इससे हम लोग पूरी तरीके से हम सही से रिजल्ट परफॉर्मेंस पता नहीं कर सकते, इसलिए सिंगल एंट्री सिस्टम को सीधा सीधा बोला गया इनकम्प्लीट अकाउंटिंग। अब ये सवाल उठता है, सर होता है कि नहीं होता? जी हाँ, आज भी बहुत से लोग करते हैं, सिर्फ एक कैश बुक अपने बिजनेस में रखे हुए हैं, दूसरा नंबर जो लोग उधार दे रहे हैं ले रहे हैं उनका डिटेल बस लिखते हैं, और कुछ भी नहीं। ठीक, एग्जाम्पल के तौर में आपके हमारे जो कॉलोनीज के जो शॉप्स होते हैं वो लोग ऐसे ही करते हैं। बात करते हैं डबल एंट्री सिस्टम की। नॉट डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, दिस इज कॉल्ड कंप्लीट अकाउंटिंग। इसको हम लोग कह सकते हैं कंप्लीट अकाउंटिंग, इट इज नॉट इनकम्प्लीट, इट्स अ कंप्लीट अकाउंटिंग सिस्टम। द डबल एंट्री सिस्टम वॉज फर्स्ट इवॉल्व बाई ल्यूकस पैसियोली। तो ल्यूकस पैसियोली बेसिकली किसका नाम है, जिनको बोला जाता है कि जिन्होंने डबल एंट्री सिस्टम का जीर्णोद्धार किया, जिन्होंने एग्जैक्टली ये डबल एंट्री सिस्टम को ढूंढा, ल्यूकस पैसियोली। ओके,
तो इन्होंने क्या, बेसिकली इन्होंने दो शब्द ढूंढे थे, डेबिटम एंड क्रेडम, जो आज डेबिट और क्रेड के नाम से जाना जाता है। इन्होंने ये बताया था, जो हमसे पैसा ले, जो हमसे हमको पैसा दे, दैट इज वहां पे से उन्होंने दो शब्द निकाले, डेबिटम एंड क्रेडिटम। और वही डेबिटम और क्रेडिटम आज के समय में डेबिट और क्रेडिट है, जो कि अकाउंट का बेस है। ठीक है, नाउ हु वाज द फ्रेंच के फ्रांसिसियन मॉन्क ऑफ इटली। ओके, तो ये कहाँ के रहने वाले थे? इटली के रहने वाले थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम द सिस्टम हैज गॉन थ्रू लॉट ऑफ डेवलपमेंट स्टेज। और फिर इन्होंने जो फाउंडेशन रखी, उसका फिर बहुत समय बीता और धीरे धीरे उसके अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट करते गए, और वो अकाउंटिंग आज आपको इस फॉर्म में दिख रही है। ठीक है, इट इज द ओनली मेथड फुलफिलिंग ऑल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिस्टमेटिक अकाउंटिंग। ठीक है, यही एक मेथड हम लोग कह सकते हैं, जो एक तरीके से अकाउंटिंग के हर एक एस्पेक्ट को कवर करता है, फुलफिल करता है। इट रिकॉग्नाइज्ड द टू फोल्ड एस्पेक्ट ऑफ एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये कहता है डबल एंट्री सिस्टम कि कोई भी ट्रांजेक्शन एक सिंगल इंसान नहीं कर सकता, उसको करने के लिए कम से कम दो लोग चाहिए। और जब वो दो लोग ट्रांजेक्शन करते हैं, दो इफेक्ट्स आते हैं, उन दोनों इफेक्ट्स को हम लोग अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, एक को डेबिट करेंगे, एक को क्रेडिट करेंगे। सो इट्स अ कंप्लीट अकाउंटिंग, हम दोनों एस्पेक्ट को नोट कर रहे हैं। अब जरा ध्यान रखिएगा, ये तो मैंने आपको डबल एंट्री सिस्टम के बारे में बता दिया, ठीक है ना, इसी सिस्टम को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट मेरे दिमाग में आया, मैंने सोचा चलो आपको बता दूं। अब कोई आपसे पूछता है कि आखिर में अकाउंटिंग का हिस्ट्री, जैसे मैंने बोला ल्यूकस पैसियोली ने स्टार्ट किया, ठीक है, लेकिन अगर हम फाउंडर उन्हीं को बोलते हैं, ल्यूकस पैसियोली को, जैसे कंप्यूटर के फाउंडर को चार्ल्स बेबेज बोलते हैं, उसी तरीके से इनको। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, आखिर में नीड क्या हुई अकाउंटिंग की, व्हाट इज द नीड, जरूरत थी क्या अकाउंटिंग की, और जो जरूरत थी वही ऑब्जेक्टिव था। तो हम लोग, अगर मैं आपसे पूछूं कि अकाउंटिंग करने का क्या ऑब्जेक्ट है, क्यों हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, तो आप लोग मेरे ख्याल से सीधा सीधा बोलोगे कि हम अपने बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस जानने के लिए करते हैं, है ना। ये ना बोलोगे प्रॉफिट, हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ या फिर कितना लॉस हुआ, इसको जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। या फिर हम लोग अपने फाइनेंशियल पोजिशन को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है ना, लेकिन सही बताऊं तो जब अकाउंटिंग का स्टार्ट हुआ, बिगिन हुआ, ये सब कोई रीजन था ही नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन तो बाद में आई। एग्जैक्टली नीड क्या थी अकाउंटिंग की, ध्यान रखिएगा, ट्रांजेक्शन को क्या करने के लिए, ट्रांजेक्शन को मेमोराइज करने के लिए, याद रखने के लिए। बिल्कुल सही, दिस इज द बेस, दिस इज द फाउंडेशन। अकाउंटिंग स्टार्ट क्यों हुआ, इसीलिए हुआ ताकि ट्रांजेक्शन को दिमाग में रखा जा सके। क्या होता था, एक छोटा सा एग्जाम्पल देखो, बहुत पीछे चले जाओ, राजा महाराजाओं के केस में और पीछे चले जाओ, है ना। तो जब हम लोग बात करते हैं, पीछे जाओगे तो अंग्रेज मिलेंगे, अंग्रेज से पीछे जाओगे राजा महाराजा मिलेंगे, उससे पीछे जाओगे तो आदिमानव मिल जाएंगे। तो आदिमानव के केस में नहीं जाना हमें, ठीक है, हम लोग को राजा महाराजाओं के केस में जाना है। उस टाइम पे बहुत समय, आपको पता है, आप लोग उस समय क्या चलता था, उस समय ये अशर्फियां चलती थी। अशर्फियों का नाम सुने हो कि नहीं सुने हो, समीक्षा? एक के बाद दूसरा सामान लेते थे ना, अशर्फियों से भी पहले का, अशर्फी तो सिक्के हो गए ना, उससे पहले भी जब चलन था वो था वस्तु विनिमय, है ना, वस्तु विनिमय सब लोग समझते हो, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एक के बदले दूसरा सामान देते थे। जी हाँ, आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी अगर, हिंदी मूवी, जिसमें था मोहन जोदाड़ो, ऋतिक रोशन की एक मूवी है ना, तो उसमें एक छोटा सा सीन दिखाया है मार्केट का, बाजार का, जहाँ पे वो अपना नीला पत्थर दे करके कोई सामान ले रहा होता है। तो दैट इज द पॉइंट, उसको बोलते थे, उस समय क्या होता था, बड़े बड़े मार्केट लगा करते थे, जहाँ पे सब लोग अपनी चीजें लेके पहुंचते थे। अब मान लो मुझे चावल चाहिए और मेरे पास दाल पड़ा है, मैं दाल अपना बेचना चाहता हूँ और मेरे को चावल खरीदना है, तो उस मार्केट में सब लोग इकट्ठा हुआ करते थे और वहां पे क्या करते थे, एक दूसरे को सामान एक्सचेंज कर लेते थे। ठीक है, तो वो तो सर कॉस्ट, कैसा ट्रांजेक्शन हुआ, वो उधार हुआ कि नगद हुआ, क्या बोलोगे, वो कैश ट्रांजेक्शन माना जाएगा। बिल्कुल सही, कैश ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया, है ना। लेकिन अब बात हुई क्या, राजा महाराजाओं ने कहा कि हम सिक्के चलाएंगे, अशर्फियां, दैट मीन सिक्के स्टार्ट हुआ। जब सिक्के स्टार्ट हो गया, अशर्फियां चलना स्टार्ट हो गई, तब वहां पे एक नई चीज ने जन्म लिया, वो चीज क्या थी, क्रेडिट। ठीक है ना, तब ये बर्थ हुआ किसका, जैसे ही सिक्कों का चलन हुआ, जैसे ही पैसों का चलन हुआ, वैसे ही इस चीज ने भी जन्म ले लिया, बर्थ ऑफ क्रेडिट, उधार।
उधार का जन्म हो गया, है ना। अब ये उधार का मतलब क्या था, सिंपल सी बात है। अब कोई सामान लेता था, वो महाजन, उस समय महाजन साहूकार बोलते, तो जो महाजन को बोलते थे अरे भाई देखो पैसा हम तुमको 4 दिन बाद दे देंगे, तो महाजन कहते थे चलो ठीक है 4 दिन बाद दे देना, तब वो उधार दिया, ठीक है। इस तरीके से एक नहीं दो नहीं, दिन भर में अगर सपोज करो दो, अगर दो ट्रांजेक्शन भी अगर उधार हो गए और 30 दिन में कितने हो जाएंगे, 60 ट्रांजेक्शन हो जाएंगे, 60 लेन देन उधार हो जाएंगे। क्या महाजन को, क्या दुकानदार को ये दिमाग में सेट रहेगा कि किसको कितना उधार दिया, किससे कितना लेना है, कब उसने कहा, पॉसिबल नहीं है, है ना। तब जाकर के उसको जरूरत पड़ी, अब इन सब चीजों को क्या कर लेना चाहिए, लिख लेना चाहिए, है ना, राइट कर लेना चाहिए, कहीं लिख लेना चाहिए। तो उस समय आपको बता दूं अकाउंटिंग जब स्टार्ट हुई तो पत्तों पे लिखा जाता था, ठीक है ना, पत्तों से लिखते 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 आज देखो अकाउंटिंग कहाँ हो रही है, आज कंप्यूटर पे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही अकाउंटिंग है, आज मेथड्स भी बहुत सारे आ गए हैं, आज बहुत सारे सिस्टम हमने अपना डिफरेंट कर लिया है, है ना। लेकिन हाँ बेस तो वही है डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है ना। तो पहले जो ट्रांजेक्शन को सिंपल साधारण शब्दों में लिखा जाता था, आज लिखने का तरीका थोड़ा अलग हो गया है और इसीलिए उस तरीके को हमें सीखना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, क्या मेन ऑब्जेक्टिव था अकाउंटिंग स्टार्ट होने का, तो वो था क्या, मेमोराइज द ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन को मेमोराइज करने के लिए, याद रखने के लिए। चलिए तो मेरे ख्याल से ये सबको समझ में आ गया। तो सिंगल एंट्री सिस्टम समझ में आ गया, आज भी जो छोटी दुकानदार है, आज भी जो स्मॉल बिजनेसमैन है वो सिंगल एंट्री सिस्टम ही मेंटेन करते हैं। बाकी डबल एंट्री सिस्टम तो आप समझ रहे हो, जितने भी कंपनीज है, जितने बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, सबके सब डबल एंट्री सिस्टम मेंटेन करते हैं। अब एक सिस्टम, एक और देखो यहाँ पे मेंशन किया गया, दैट इज व्हाट, इंडियन एंट्री सिस्टम, जिसको हम लोग कहते हैं भारतीय लेखा प्रणाली। आपको पता है हम इंडियंस चीजों को बड़े जल्दी सीखते हैं और चीजों को जरूरी, अगर हमने आपकी चीज किसी को देखी है तो हमने उसको अपने फॉर्मेट में बना लिया। जैसे अगर हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा जो बना हुआ है, देखो किसी आप कंट्री में देखोगे तो राष्ट्रपति सुप्रीमो होता है, तो किसी कंट्री में देखोगे तो पीएम सुप्रीमो होता है कि नहीं है। अमेरिका में बताओ कौन सुप्रीम होता है, यूएस में कौन सुप्रीम, किसको बुलाता है, सुप्रीम कौन है, राष्ट्रपति ना, प्रेसिडेंट, ओके। और इंग्लैंड में बताओ क्या चलता है, समीक्षा, राजा महाराजा, नहीं अमेरिका नहीं, इंग्लैंड में तो वो तो रानी, वो ठीक है फिर राजा रानी रहते हैं, इस समय भी उसको दिया गया है, लेकिन वो कोई मेन नहीं है, है क्या वहाँ प्रधानमंत्री, पीएम बोरिस करके है ना, okay. कोई वहाँ प्राइम मिनिस्टर सिस्टम चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर वहाँ सुप्रीमो होता है, और जबकि वहाँ पे देखा जाएगा अमेरिका में राष्ट्रपति चलता है। तो अब अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में देखो राष्ट्रपति भी है, प्रेसिडेंट भी है, एज वेल एज प्राइम मिनिस्टर भी है, हालांकि यहाँ का सुप्रीमो मेन माना जाता है किसको है, प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा खिचड़ी है। खिचड़ी इन द सेंस क्या है, हमने बहुत सारे कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा समझा और फिर उससे हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, है कि नहीं है, क्लियर, उनके एक्सपीरियंस से। तो उसी तरीके से डबल एंट्री सिस्टम को, जैसा कि डबल एंट्री सिस्टम को हमने देखा हमारे इंडियन लोगों ने, और उसके आधार पर एक प्रणाली बनाई, दैट इज कॉल्ड इंडियन एंट्री सिस्टम, भारतीय लेखा प्रणाली। तो इस तरीके से कह लो, मैं कह सकता हूँ कि इंडियन एंट्री सिस्टम भी काफी हद तक डबल एंट्री सिस्टम को कॉपी किया गया, उसी से लेके बनाया गया, ठीक है। बस ये फर्क क्या है, ये हम इंग्लिश और उनके फॉर्मेट्स को यूज करते हो, ये पूरी तरीके से हिंदी में होती है और इसको पूरी तरीके से क्या कह सकते हो, इंडियन फॉर्मेट पे बनाया गया। दिस इज द इंडियन एंट्री सिस्टम, इट डिफर फ्रॉम द रीजन टू रीजन, और ये रीजन टू रीजन फर्क भी होता है। महाराष्ट्र में जाओगे, यूपी में आओगे, अलग अलग जगहों पर अलग अलग लैंग्वेज में ये मेंटेन की जाती है, लेकिन इसको कहते हैं इंडियन एंट्री सिस्टम। यूपी में आओगे तो हिंदी में मेंटेन होती है, महाराष्ट्र में जाओगे तो मराठी में मेंटेन होती है। इट डिफर फ्रॉम द रीजन टू रीजन, कम्युनिटी टू कम्युनिटी एंड फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस, है ना। अंडर दिस सिस्टम बुक आर रिटन इन अ रीजनल लैंग्वेजेस सच एज हिंदी, गुजराती, मराठी एक्सेट्रा, ओके। बुक्स आर कॉल्ड बहीज, बुक्स को हम लोग बही कहते हैं, सुना भी होगा, बही सुना है कि नहीं सुना है, यस सर, बही खाता, बही खाता, बिल्कुल सही। अब इट इज ऑर्डर देन ओल्डर देन डबल एंट्री सिस्टम एंड इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, है ना। ये कहा जा रहा है कि डबल एंट्री सिस्टम से भी ओल्ड है ये सिस्टम,
और कहीं ना कहीं क्या है इज कम्प्लीट। लेकिन ध्यान रखना इंडियन एंट्री सिस्टम के भी फॉर्मेट्स में काफी चेंजेस किए गए, बात समझे कि नहीं समझे। तो इसको कहा जाता है ये अपने आप में कम्प्लीट है, ये भारतीय लेखा प्रणाली है, ये बहुत पहले से चली आ रही है। अब अगर हम लोग सिंपल सी बात करें ना, अब अगर हम डबल एंट्री सिस्टम में करें तो हम लोग लाइन्स यूज करते हैं। अगर तुमने देखा होगा हम लोग बैलेंस शीट बना रहे थे तो कॉलम्स बना रहे थे ना, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम कॉलम खींचने के लिए हम कॉलम बनाते नहीं, हम इसको क्या कर देते, पन्ने को मोड़ देते हैं, पन्ने को फोल्ड करते हैं। यहाँ और सबसे बड़ी चीज आपने देखा होगा इनकी बुक्स जो बहीज होती हैं, है ना, जो बहीज होती है इसको अगर आपने ध्यान से बही खाता होता है उसको आपने ध्यान से देखा होगा, वो लाल कलर का कवर उसके ऊपर लगा होता है। ध्यान दिया कि नहीं दिया, लाल कलर के कवर उसके अंदर येलो कलर का पेज होता है, पेजेस येलो कलर के होते हैं, बिल्कुल सही। और जब हम बुक्स को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में लिखते हैं श्री गणेश जी सदा सहाय, श्री लक्ष्मी जी सदा सहाय, और इस तरह की चीजें है ना लिखी जाती हैं। तो दीज आर बेसिकली इंडियन एंट्री सिस्टम, जहां भी ये सब चीजें देखना समझ जाओ इंडियन एंट्री सिस्टम है। और रुपीज को भी एक अलग तरीके से डिन्यूट करते हैं, तो मैं आपको एक छोटा सा व्यू दिखा दूं, ठीक है ना। और यूपी साइड में तो खैर तो बहीज भी चले देख लेते हैं फटाक से। तो ये है हमारा इंडियन एंट्री सिस्टम। तो घूम फिर के इंडिया में अगर देखोगे तो सिंगल एंट्री सिस्टम भी मेंटेन हो रहा है, डबल एंट्री सिस्टम भी मेंटेन कर रहा है, और बहुत सारे ऐसे आज भी गांव में महाजन साहूकार है, आज भी हैं, आज भी बहुत सारे जगहों पे वो लाल कलर की तुम्हें बुक्स तुम्हें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है ना। इंडियन एंट्री सिस्टम भी आज भी बहुत सारी जगहों पे यूज हो रहा है, लेकिन हाँ संख्या कम है, लेकिन है, एग्जिस्ट है ना, ये एग्जिस्ट है। तो अगर हम लोग देखें कुछ इमेजेस मैं आपको दिखा दूंगा, मे बी गूगल पे अवेलेबल हो, ओके सो ऑन हो रहा है, तब तक हम लोग आगे ये थ्योरी देख लेते हैं। तो ये हो गया हम लोग का। अब हम लोग बात करेंगे क्या बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, क्या बेसिस होता है अकाउंटिंग सिस्टम का, बेस क्या हो सकता है। आप हो सकता है क्या कैश सिस्टम यानी कि रिसिप्ट बेसिस पे आप एंट्रीज कर रहे हो, या फिर अक्रूअल या मर्केंटाइल बेसिस पे आप अकाउंटिंग कर रहे हो। तो दोनों में से कोई भी एक सिस्टम आप अपना यूज कर सकते हो। अब कैश सिस्टम क्या होता है, जहाँ पे कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है सिर्फ और सिर्फ, और अक्रूअल मतलब जहाँ कैश के साथ जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट को ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इंडियन एंट्री सिस्टम, ओके सो इंडियन एंट्री सिस्टम के अगर एग्जांपल अगर हम देखें, इंडियन एंट्री सिस्टम रिकॉर्डिंग, ये देखो खैर इसमें कुछ दिख तो रहा नहीं है, पुरानी बुक जैसी लग रही है, ये देखो जमाने का दिखा रहा है, चेंज करते हैं हम लोग। रिकॉर्डिंग एंड इंडियन एंट्री सिस्टम, सिस्टम की स्पेलिंग गलत हो गई, कोई टेंशन नहीं, चलो अवेलेबल नहीं है फिलहाल। इसमें अवेलेबल नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। नहीं मिलेगा ऐसे, फालतू का टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं यहाँ पे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, दो सिस्टम होता है कैश और रिसिप्ट बेसिस होता है। इज द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन अंडर व्हिच रेवेन्यू एंड कॉस्ट एंड एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिफ्लेक्टेड इन अकाउंट्स इन द पीरियड इन व्हिच एक्चुअल रिसिप्ट्स एंड एक्चुअल पेमेंट आर मेड।
यानी कि कैश सिस्टम पे अगर अकाउंटिंग कर रहे हो ना, कैश या रिसीव बेसिस पे अकाउंटिंग कर रहे हो, यानी कि उस केस में जब तक कैश आएगा नहीं, जब तक कैश जाएगा नहीं, आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करोगे, है ना। तो ये सिस्टम काफी खतरनाक है। अगर मैंने सामान बेचा, मेरे को रिकॉर्ड नहीं करना जब तक पैसा नहीं आ जाता, तो ये तो खैर गलत है ना। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जैसा कि होता है, इसमें बनाया जाता है, जब पैसा आएगा तो उसे नोट करो, जब जा रहा है तो पैसा उसे नोट करो। इन केस ऑफ क्लब्स, सोसाइटी, हॉस्पिटल, इन सब केसेस में ये सब सही है ना। इज द एग्जाम्पल ऑफ कैश बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग। जबकि अक्रूवल सिस्टम, याद है हम लोगों ने अक्रूवल कंसेप्ट पढ़ा था, इनकम होती है रिकॉर्ड कर लो, कमा लिया रिकॉर्ड कर लो, खर्चा हो गया रिकॉर्ड कर लो, भले पैसा आए या ना आए उससे कोई लेना देना, पैसा आज नहीं तो कल आएगा जाएगा। तो इसमें कह रहा है, इज द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन बाई विच रेवेन्यू एंड कॉस्ट एंड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर रिफ्लेक्टेड, जिस समय रिफ्लेक्ट होता है इन अकाउंट्स इन द पीरियड इन विच दे आर ऑक्योर, उसी टाइम पे हम रिकॉर्ड कर लेते हैं उसे। दिस बेसिस इंक्लूड्स कंसिडरेशन ऑफ रिलेशन टू द आउटस्टैंडिंग, प्री पेड, अक्रूड एंड अक्रूड, इन सब शब्दों का प्रयोग होता है यहाँ पे। इनकम हमने कमाया नहीं है, है ना, कमा लिया है, रिसीव हो गया, या कमाया नहीं है, मिल गया पहले, तो दैट इज कॉल्ड एडवांस। कमा लिया है बट नहीं मिला है, तो दैट इज कॉल्ड अक्रूड। खर्चा हो गया लेकिन पेमेंट नहीं किया है, तो उसको हम बोलते हैं कि आउटस्टैंडिंग। खर्चा अभी हुआ नहीं है लेकिन हमने पहले पैसा दे दिया, दैट इज कॉल्ड प्री पेड। ओके, तो इन सब शब्दों का भी प्रयोग होता है। तो अक्रूअल सिस्टम में क्या होता है, हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उधार को नोट करते हैं, उधार समझ लो। और हम लोग अकाउंटिंग बेसिकली करने वाले कैसे हैं, मिक्स्ड, यानी कि हाइब्रिड सिस्टम पे के बेसिस पे। हम लोग डबल एंट्री सिस्टम किस पे बेसिस है, हाइब्रिड सिस्टम पे, मिक्स्ड बेसिस, यानी यहाँ पे हम लोग कैश को भी रिकॉर्ड करने वाले हैं, कैश एज वेल एज मर्केंटाइल सिस्टम, हम दोनों ही सिस्टम को अपनाते हैं, उधार को भी नोट करते हैं, कैश ट्रांजेक्शन को भी नोट करते हैं। इनकम इज रिकॉर्डेड ऑन द कैश बेसिस बट एक्सपेंसिस आर रिकॉर्डेड मर्केंटाइल बेसिस, ठीक है ना। तो यहाँ पे सब दे रखा है। तो हाइब्रिड सिस्टम हम लोग यूज करने वाले हैं अकाउंटिंग करते समय। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। समीक्षा, हैव यू एनी क्वेश्चन? सर ये आउटस्टैंडिंग प्रीपेड वाला फिर से बताइए क्या क्या होता है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अक्रूअल सिस्टम क्या कहता है, खर्चा हो गया रिकॉर्ड कर लो, एक्सपेंसिस हो गया रिकॉर्ड कर लो। आज मेरे यहाँ बिजली का बिल आ गया 4000 रुपए का, तो मेरा खर्चा हो गया, मैंने पेमेंट किया है कि नहीं किया, अभी नहीं किया, बात समझे। अगर मैंने नहीं किया, मेरे आज मेरे घर पे बिजली का बिल आ गया, मैं सोच रहा हूँ 4 दिन बाद जमा करूंगा, तो 4 दिन तक वो मेरे लिए क्या कहलाएगी, मेरे ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। मेरे ऊपर क्या क्रिएट हो गया, लाइबिलिटी। उस लाइबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोलते हैं वो, बात समझे। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या हुआ, आउटस्टैंडिंग मतलब बहुत सिंपल सा होता है, एक्सपेंसिस ड्यू बट नॉट पेड। एक्सपेंसिस ड्यू, एक्सपेंस ड्यू हो गया है लेकिन हमारे ऊपर एक्सपेंस चढ़ गया, बट हमने अभी पेमेंट नहीं किया, दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग, ठीक है। अगर हमने कोई किसी चीज का पेमेंट पहले कर दिया, अभी वो खर्चा हुआ नहीं है, जैसे आप लोग याद है, आप लोग सिंपल सा प्रीपेड रिचार्ज कराते हो अपने मोबाइल में, आप लोग मोबाइल में जो खर्च करना था उसका पहला पैसा आप दे देते हो वोडाफोन को, आपने 100 रुपए का रिचार्ज किया, यानी 100 रुपए पहले दे दिया कंपनी को, उसका यूज आप बाद में करते हो, दैट इज कॉल्ड एडवांस। जैसे आप कहीं किराए का मकान लेने जाते हो तो हाँ आपको क्या करना पड़ता है, पहले ही दिन उधार, पहले दिन आपको पैसा देना पड़ जाता है, दैट इज कॉल्ड एडवांस, है ना। रेंट आपके लिए तो खर्चा है लेकिन आपने उसको समय से पहले दे दिया, दैट इज कॉल्ड प्रीपेड। अब ये जो शब्द है ना, प्रीपेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज होता है। अक्रूड अनअक्रूड शब्द का यूज हम लोग किसके लिए करते हैं, इनकम के लिए। अब इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, कोई इनकम हमने कमा लिया है बट मिला नहीं है, यानी हमने सामने वाले का काम कर दिया है लेकिन सामने वाले ने पैसा भी दिया नहीं है, तो मैंने तो अक्रू कर लिया, मैंने तो कमा लिया पैसा, तो मैं अपने इनकम में शो करूंगा। अब इनकम मिला नहीं है, है ना, कैश आया नहीं है, तो अक्रू है, अक्रू मतलब वो मेरी करंट एसेट है, आज नहीं तो कल मिलेगी। अब क्या होता है, रिसीव इन एडवांस, मतलब सामने वाले का मैंने काम नहीं किया, उसने पहले ही मेरे को पैसा दे दिया, तो दैट इज कॉल्ड रिसीव इन एडवांस, या फिर कह लो उसको हम लोग बोलते हैं अनअक्रूड। अनअक्रूड मतलब कमाया नहीं है बट हमें पैसा पहले मिल गया, इज दैट क्लियर? यस सर। चलिए, तो हम लोग अकाउंटिंग तो हाइब्रिड सिस्टम से करने वाले, मिक्स्ड, यानी कि अक्रूअल भी फॉलो, बात करते हैं किसके, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की। नो, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को पढ़ने से पहले, ठीक है ना, आपको पता है कैपिटल का मतलब क्या होता है, पहले तो इसका मतलब सबको पता होना चाहिए। बिजनेसमैन नॉर्मली जो अपने जो जेब से पैसा लगाता है उसे हम कैपिटल कहते हैं। रेवेन्यू सबको पता है, रेवेन्यू मतलब होता है जब भी हम कोई प्रोडक्ट या सर्विस सप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो,
सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो सामने वाले से जो पैसा मिलता है उसी को हम लोग रेवेन्यू कहते हैं। ये तो वही कैपिटल और रेवेन्यू की अलग अलग डेफिनेशन मैंने बताई। अब सवाल उठता है कि सर एक चीज बताइए, अब कैपिटल एंड रेवेन्यू यहाँ पे एक शब्द यूज कर दिया गया एक्सपेंडिचर, हमने पढ़ा था एक्सपेंस, अब हमने आपको पढ़ा रहे हैं एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में फर्क क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल हमको यहाँ पे समझना है कि रेवेन्यू एंड कैपिटल हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्या जरूरत है रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ने की। और इसी तरीके से जिस तरह से कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वैसे ही कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट भी होती है। आगे जाके अगर हम देखेंगे तो आगे हमारा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल रेवेन्यू रिसीट, और वो चलो नहीं दिया। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन उठता है जिसको हम लोग पहले तो उस क्वेश्चन का पहले आंसर पहले ढूंढेंगे, व्हाई वी लर्न कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्यों हम लोग ये कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बताओ क्यों पढ़ रहे हैं हम, व्हाई है ना, एक्सपेंडिचर एंड ऑब्लिक करके मैं लिख देता हूँ रिसिप्ट, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग। तो इसका आंसर आपको जानना बहुत जरूरी है। देखो सिंपल सी चीज है, आप अपने बिजनेस में आपको पता है साल के अंत में एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आप क्या करते हो, साल के अंत में क्या बनाते हो, फाइनल अकाउंट बनाते हो ना, फाइनल अकाउंट जिसको हम लोग अब क्या बोलते हैं आजकल नया शब्द आ गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये हम लोग बनाते हैं। इसमें हम लोग क्या क्या चीजें बनाते हैं पता है, इसमें मेनली दो चीज बनाई जाती है, सबसे पहली चीज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसको कई लोग आज के समय में क्या बोला जाता है इनकम स्टेटमेंट, क्या बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट। दूसरी चीज क्या बनाते हैं बैलेंस शीट, आपको पता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते हैं, ताकि हम अपने बिजनेस की नेट प्रॉफिट और लॉस को जान सकें। और ये क्यों बनाते हैं बैलेंस शीट, क्यों बनाते हैं बैलेंस शीट, इसलिए बनाते हैं ताकि हमें क्या पता चल सके, हमें अपने बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चल सके, फाइनेंशियल पोजीशन, ओके फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में हमें नॉलेज हो सके। तो ये दो चीजें हैं ठीक। अब अगर आप चाहते हो कि आपका नेट प्रॉफिट सही कैलकुलेट हो, एक्यूरेट कैलकुलेट हो, सही हो, बैलेंस शीट भी हम सही बनाए, इसके लिए बहुत जरूरी है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप क्या करो वो समझ आपको आता हो। अगर आपको कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं समझ में आता ना तब तो आप बहुत गड़बड़ करोगे, आपका नेट प्रॉफिट सही नहीं निकल सकता। कैसे सर, चलिए समझते इसको। देखो आपको भी याद होगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम दो चीजें दिखाते हैं, एक तरफ हम क्या दिखाते हैं एक्सपेंस ठीक है, और फिर एक तरफ क्या हम दिखाते हैं, एक तरफ हम दिखाते हैं रेवेन्यू या फिर हम लोग सिंपल सा इनकम लिख देते हैं, एक तरफ हम एक्सपेंस दिखाते हैं एक तरफ हम इनकम दिखाते हैं, सही है। अब यहाँ पे हम लोग बात करें बैलेंस शीट में हम क्या दिखाते हैं, एक तरफ हम लोग क्या दिखाते हैं लायबिलिटी, लायबिलिटीज एसेट्स, बिल्कुल सही, एक तरफ हम लोग क्या दिखाते हैं एसेट्स। तो ये चीज है, अब आप लोग क्लियर ये समझिए एक्सपेंस साइड बेसिकली क्यों जरूरी है, एक्सपेंस का मतलब क्या होता है। हम लोग यहाँ पे बोलते हैं एक्सपेंस मतलब होता है रेवेन्यू एक्सपेंस एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड एक्सपेंस ओके। और हम लोग बात करें किसकी एसेट साइड में क्या दिखाते हैं बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर, जितने भी आप ऐसे समझ लो जितने भी हम लोग कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर
एक्सपोज इन या फिर सोज इन एक्सपेंस साइड. तो इस तरीके से हमको ये भी पता चल गया एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो नोन एज एक्सपेंस, या एक्सपेंस का मतलब होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. और जितने भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं वो हम किधर दिखाते हैं, एसेट साइड में. ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आप कह सकते हो कैपिटल एक्सपेंडिचर एज एन एसेट की तरह हम यहाँ शो कर रहे होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम यहाँ शो कर रहे होते हैं. अब हम बात करेंगे इनकम की, तो यहाँ पे हम क्या दिखाते हैं, रेवेन्यू रिसीट दिखाते हैं. जितनी भी रेवेन्यू रिसीट्स होती है हम इनकम साइड में दिखाते हैं, और जितने भी कैपिटल रिसीट होती है वो हम किधर दिखाते हैं, लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं. ठीक है, तो अब अगर किसी खर्चे को कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गलती से आपने यहाँ दिखा दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ के यहाँ दिखा दिया, या कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर को गलती से तुमने रेवेन्यू समझ के यहाँ दिखा दिया, तो आपका सीधा सीधा प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ जाएगा, आपकी प्रॉफिट सही नहीं पता चलेगी. तो हमें पता चल होना चाहिए कि कोई खर्चा अगर हमने किया, अगर मान लो मैंने अपने ये मोबाइल मैंने खरीदा, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो बिल्कुल वो एसेट साइड में दिखना चाहिए, अगर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो वो पीएल अकाउंट में दिखना चाहिए कि बैलेंस शीट में जाएगी वो चीज़, वो खर्चा बैलेंस शीट में दिखाना है कि वो खर्चा हमें ट्रेडिंग पीएल में दिखाना है, ये डिपेंड करता है कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. और अगर इसमें अगर आप कंफ्यूज हैं तो सीधा सीधा आपकी प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट पे सीधा इफेक्ट जाने वाला है, आपके नेट प्रॉफिट नेट लॉस पे सीधा इफेक्ट जाने वाला है. अगर आपने कोई रिसिप्ट हुई, आप कैपिटल रिसीट है कि रेवेन्यू रिसीट है, इसमें कंफ्यूज हो गए, ओके, और थोड़ा सा भी इधर उधर दिखा दिया, तो बिल्कुल आपका सीधा यहाँ पे भी इसकी वजह से भी आपका क्या होगा, प्रॉफिट लॉस इफेक्ट होगा. इसीलिए कहते हैं कि बहुत ज़रूरी है कि हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स के बारे में अच्छे से समझ लें. ठीक है, और आप देखो अभी हम लोग ने अकाउंटिंग में जनरल एंट्री भी नहीं स्टार्ट की, तो पहले हम लोग यही पढ़ रहे हैं क्योंकि दीज आर द इम्पोर्टेंट, क्योंकि इस टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंस है. ठीक है, तो इसमें आपको ये तो समझ में आ गया, एक जो मैंने अभी क्वेश्चन बोला था कि एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में क्या फर्क है. जो भी पैसा हमारे जेब से जा रहा है, जब भी हमारे पैसा हमारे जेब से जा रहा है, चाहे किसी भी चीज़ के लिए, चाहे मैं कंप्यूटर खरीद रहा हूँ, चाहे पेन खरीद रहा हूँ, चाहे ब्रांड न्यू पेन खरीद रहा हूँ, चाहे ब्रांड न्यू कंप्यूटर खरीद रहा हूँ, पैसा तो जाएगा सर, पैसा जा रहा है. ठीक है ना, पैसा जब जाने वाला है तो वो एक्सपेंडिचर है, जा रहा है या जाने वाला है तो वो एक्सपेंडिचर है. इज दैट क्लियर? फाइनली पैसा जा रहा है तो एक्सपेंडिचर. अब अगर हम बात करें क्या, अब डिसाइड करना है कि वो रेवेन्यू है कि वो ये, तो सॉरी एक्सपेंडिचर हो गया. व्हाट इज एक्सपेंस, एक्सपेंस किसे कहते हैं, एक्सपेंस किसे कहते हैं, तो ओनली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज नोन एज एक्सपेंस. सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एक्सपेंस कहते हैं. अब सवाल उठता है, सर आप बता दीजिए जल्दी से कि कैपिटल एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं. तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर की. हालांकि बड़ा टॉपिक है, लेकिन आज हम लोग बहुत ही छोटे में समरी में सीखेंगे, अगले वीडियो में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे. कैपिटल एक्सपेंडिचर को बहुत सिंपल तरीके से कह सकते हो, कोई भी एक्सपेंस अगर तुमने किया, कोई भी एक्सपेंडिचर किया, उसका फायदा तुम्हें मोर देन अ ईयर मिलता है. मोर देन अ ईयर, मोर देन वन ईयर अगर उसका बेनिफिट अगर तुम्हें मिल रहा है. कोई भी खर्चा क्यों करते हैं, ताकि उसे कोई बेनिफिट मिले, है ना. तो तुम अगर कोई खर्चा करते हो और उसका बेनिफिट अगर हमें क्या मिलता है, मोर देन अ ईयर मिलता है, तो जाहिर सी बात है वो क्या कहलाएगा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया. Now, what is revenue expenditure? Revenue expenditure किसे कहते हैं? तो revenue expenditure का मतलब ये होता है कि कोई भी खर्चा हमने किया, उसका फायदा हमें within a year मिल जाए. ठीक है ना? Within a year अगर हमें मिल जाए, या फिर कह लो same year में हमें उसका, same period में हमें खर्चा, उस same year में उसका फायदा उठा लूं अगर उस खर्चे का, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, revenue expenditure. तो ये पढ़ के याद आ रहा होगा कुछ कुछ फिक्स्ड एसेट की. फिक्स्ड एसेट में मैंने यही डेफिनेशन पढ़ाई थी, है ना, कि ऐसी एसेट जिससे हमें फायदा कई सालों. सिंपल सी बात है, फिक्स्ड एसेट हम मशीन फर्नीचर बिल्डिंग वर्ल्डिंग खरीदते हैं, तो एसेट साइड ही तो शो करोगे, बिकॉज दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, है कि नहीं है. कोई भी खर्चा मैं कर रहा हूँ, उसका मोर देन अ ईयर हमें फायदा मिलने वाला है, सर दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कोई भी खर्चा किया हमने, उसका फायदा उसी साल में मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. जैसे हम गुड्स खरीदते हैं, सिंपल सी बात है, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मान लो मैं मोबाइल की मेरी शॉप है, मैं जब मोबाइल खरीदता हूँ तो मेरे लिए तो वो गुड्स हुई ना. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड्स विच वी परचेज फॉर सेल. कोई भी प्रोडक्ट जो हम खरीदते हैं बेचने के लिए, वो हमारे गुड्स होता है.
है ना। तो अगर मेरा मोबाइल का शॉप है, मैं मोबाइल खरीद रहा हूँ, तो मेरे लिए गुड्स हुआ है ना। अब वो खरीद रहा हूँ और मेरे को पता है उसको मैं जल्द से जल्द विदिन अ ईयर मैं उसको बेच करके उससे प्रॉफिट कमा लूंगा। तो वैसा तो मोबाइल में खरीदा, मैं सोचूंगा नहीं इसको 2 साल बाद इसको रखूंगा, 2 साल के बाद बेचूंगा। भैया तब तक टेक्नोलॉजी एक्सपायर हो जाएगी, कोई तुम्हारे मोबाइल को पूछेगा नहीं। जल्दी लाओ, जल्दी इसको बेच के किनारे करो, तो उसका फायदा हमें क्या होगा, विदिन अ ईयर हमें मिल जाता है। तो दैट इज कॉल्ड, दीज एक्सपेंसेस आर नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने बिजली का बिल दिया, मेरे को 1 महीना बिजली मिला, फिर अगले महीना लूंगा, फिर अगले महीना बिजली का बिल दूंगा, तो उसका फायदा तो हमें उसी समय मिल गया, सेम मंथ में मिल गया है ना। ईयर तो दूर है, मैं सेम मंथ में उसका फायदा मिल रहा है। हम सैलरी दे रहे हैं, आप लोग मेरे यहाँ काम कर रहे हो, तो मेरे लिए, मैं अगर सैलरी आपको दे रहा हूँ तो मेरे लिए तो खर्चा है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि 1 महीने की सैलरी दूंगा और तुमसे कई साल तक काम लूंगा, नहीं, एवरी मंथ आई हैव टू पे द सैलरी। ओके, सो दीज आर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। तो हम लोग यहाँ दिखाते हैं, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, सैलरी हो गया, दीज आर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। और इन दोनों में एक डिफरेंस मैं आपको बता दूँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा खर्चा होता है जो हम बार बार नहीं करते, रेगुलर वे में नहीं करते, लेकिन रेवेन्यू क्या होता है, रेगुलर वे में होता है। जैसे हर महीना हम बिजली का बिल देंगे, हर महीना हम सैलरी देंगे, लेकिन क्या हर महीना हम बिल्डिंग खरीदेंगे, हर महीना मैं मशीन खरीदूंगा अपने बिजनेस के लिए, नहीं। यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेकरिंग नेचर, इसको बोलते हैं हम रेकरिंग। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो रेकरिंग नेचर के नहीं होते। तुम अपने घर के लिए टीवी कब खरीदोगे, तो हर महीना खरीदते हो क्या, हर साल खरीदते हो क्या, नहीं। दैट इज टीवी अगर तुम अपने घर के लिए खरीदो, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। फैन खरीद रहे हो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, एसी खरीद रहे हो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन 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 अगर तुम अपने घर के लिए, तुम अगर अपने घर के लिए क्या खरीद रहे हो, अपने लिए राशन खरीद रहे हो, तो वो कैसा है, किचन का जो सामान तुम खरीद रहे हो वो सब क्या है, वो सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन किचन में ही तुमने माइक्रोवेव खरीद के लाया, तो वो क्या हो गया, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। लेकिन किचन में तुम मसाला खरीद रहे हो, किचन के लिए तुम ये सारी, अपने घर के लिए ये सारी चीजें खरीद रहे हो, सब क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सेम चीज बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लो, है ना। बिजनेस का रेंट, दुकान का रेंट हो गया, दुकान का बिजली का बिल हो गया, दुकान में जो वर्कर काम कर रहे हैं उनकी सैलरी हो गई, है ना। फिर जो गुड्स खरीद रहे हैं वो सब क्या है, वो सब रेवेन्यू नेचर के, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गए, और ये खर्चे बार बार होते हैं। क्लियर? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर,